नमस्कार, गुड इवनिंग। डॉक्टर मनीष बंसल, एमडी जीएलपीसी गुजरात। जीएलपीसी यानी गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी, और ये वीडियो है गुजरात की उन 50 लाख महिलाओं के लिए जो कि सखी मंडल के माध्यम से जीएलपीसी से या अर्बन जो पार्ट है उससे जुड़ी हुई है, या ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे भारत की महिलाओं के लिए जो सखी मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, लेकिन जो काम कर रही है मिलके संगठित होकर उनके लिए। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था एज ए कलेक्टर महीसागर से जीएलपीसी एमडी में, काफ़ी लोग पूछते थे कि जीएलपीसी क्या है। सामान्य भाषा में गुजरात में इसको मिशन मंगलम बोलते हैं, तो मिशन मंगलम क्या है, लोगों को पता नहीं था कि जीएलपीसी यानी कि क्या, गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी यानी कि क्या, और ये रूरल डेवलपमेंट का जो लोगो था या NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसका जो लोगो था उसके तहत ही ऑलमोस्ट चलता था। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने मिशन मंगलम को एक पहचान दी जाए, एक लोगो के द्वारा पहचान दी जाए, इसका अपना एक आइडेंटिटी हो, ताकि जो इससे जुड़ी हुई महिलाएँ हैं, जो इससे जुड़े हुए परिवार हैं, वो ये समझ सके, ये विश्वास कर सके, ये गर्व महसूस कर सके कि यस, उनका एक लोगो है, उनकी एक पहचान है और जो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए ये लोगो मैंने डिज़ाइन किया था मेरे स्टाफ के साथ मिलकर। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये जो पार्ट है ये डिनोट कर रहा है संगठन को। इसमें महिलाएँ दिखाई गई है 5, ये डिनोट करती है कि किस प्रकार से एक साथ मिलके और स्वयं सहायता समूह या सखी मंडल या जीएलपीसी में काम होता है। और सामान्य भाषा में इसका नाम है मिशन मंगलम, यानी कि ये जब 2010 में शुरू हुआ था तब इसका जो मेन मोटो था या मेन मिशन था वो था मंगल, कल्याण। इसके बाद 2011 में एक कंपनी बनाई गई, गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड, जो कि कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एंड फुल्ली फंक्शनल, फुल्ली इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पर काम करती है। जीएलपीसी जो कंपनी है उसका मेन काम है मिशन मंगलम को इम्प्लीमेंट करना, सामान्य भाषा में कहें तो सखी मंडल को सुदृढ़ करना, सखी मंडल को लोन दिलवाना, सखी मंडल को स्किल देना, सखी मंडल का मार्केटिंग करना। और इस लोगों के अंदर ये जो संस्कृत का जो शब्द है, संस्कृत का जो वाक्य है, सर्वम संभावयते तवई, इसका मतलब यह होता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ये मैंने जानबूझकर, रिसर्च करके, काफ़ी चीज़ें पढ़ के उसके बाद इस वाक्य को यहाँ पे चुना है मिशन मंगलम के लोगों में, ताकि महिलाओं को ये संदेश दिया जा सके कि आप सच में सब कुछ कर सकती है। एंड इसकी जो खास बात है ये है कि मंगलम, मंगलम का पूरा जो फुल फॉर्म है मैंने यहाँ पे रखा है, मोटिवेटिंग ऑल नारीज ऑफ गुजरात फॉर आत्मनिर्भरता इन लाइवलीहुड, एटीट्यूड एंड माइंडसेट, यानी मंगलम, MANGALAM। ये जो मंगलम है इसी का फुल फॉर्म बोल सकते हैं कि ये मंगलम है, जो कि सखी मंडल को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, महिलाओं को, महिलाओं के संगठन को रिप्रेजेंट करता है। और इसका गुजराती में या हिंदी में अगर मैं आपको बताता हूँ तो इसका मतलब है कि जो गुजरात की जितनी भी नारियां हैं उनको मोटिवेट करना, किस चीज़ के लिए, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी प्राप्त करने के लिए। सेल्फ डिपेंडेंसी किस में, लाइवलीहुड यानी कि आजीविका में, आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। एटीट्यूड में, एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को किस प्रकार से, किस नज़रिए से देखते हैं, आपका नज़रिया आत्मनिर्भर बने। एंड माइंडसेट यानी कि आप मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बने, मानसिक रूप से इंडिपेंडेंट बने। जैसे अभी भारत सरकार का भी जेंडर कैंपेन भी चल रहा है, तो उसके अंदर भी ये है कि महिलाओं के ऊपर जो घरेलू अत्याचार या सामाजिक अत्याचार होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए, उनकी भी जागरूकता महिलाओं में आनी चाहिए और अधिकारों के लिए उनको लड़ना चाहिए। इसके अंदर, मंगलम के अंदर मैंने कोशिश किया है कि ये माइंडसेट वाला पार्ट भी इंक्लूड हो। लेडीज ऑफ ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप, सखी मंडल, स्वयं सहायता समूह, जिस भी नाम से आपको बोला जाए, एंड नॉट ओनली गुजरात, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में लगभग, जैसे मैंने बताया कि 8 करोड़ स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, सखी मंडल बने हुए हैं, तो सबके लिए। एंड दिस लोगो इज पर्टिकुलरली फॉर गुजरात वीमन, इट कैन बी यूज्ड, ये ग्रामीण विस्तार के लिए भी यूज कर सकते हैं,
ये शहरी विस्तार के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये जो मिशन मंगलम का जो लोगो है, मिशन मंगलम का जो मिशन है, ये आप सबके लिए है और आपकी वजह से ही है। सो दिस लोगो, ये जो लोगो है, आपको एज ए MD समर्पित कर रहा हूँ और निश्चित रूप से ये आपको पसंद आएगा। सो आगे कोशिश करना कि आपके घर में जहाँ पे सखी मंडल चल रहे हैं वहाँ पे ये लोगो, उसका प्रिंट निकाल कर और आप भी अपने घर में इसको रखो, ताकि आपको अपनापन महसूस हो और एक ओनरशिप महसूस हो। थैंक यू, धन्यवाद।